श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ एक मैं वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो जो है ये मेरे मकान निर्माण का है। तो इसमें जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं वो बोरिंग से कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बोरिंग के लिए मशीन आई है और उसी की पूजा का कार्य चल रहा है। तो बड़ा बोरिंग करवाया है। बड़ा बोरिंग करवाने के लिए दिन में उन लोग नहीं करते हैं क्योंकि गाड़ी बड़ी होती है तो थोड़ा रोड और थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से उन्होंने रात में ही इसका परमिशन लिया था, तो रात में ही यहाँ पर बोरिंग का काम चल रहा है। मकान मेरा जो पुराना था वो टूट चुका है और पुराना मकान टूटने के बाद ये नया कार्य शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हमने बोरिंग करवाने का विचार किया और यहाँ पर पूजा हो रही है। तो ये दोनों दीदियाँ हैं, दीदी मेरी जेठानी हैं और पूजा कर रही हैं। तो बस यहाँ पर ही पूजा करने, जब भी आप बोरिंग करवाते हैं तो सबसे पहले आप चेक करवा लीजिएगा कि पानी कहाँ पर आएगा। चेक करने वाले रहते हैं पानी, मतलब पता करने वाले रहते हैं कि कहाँ पर आता है पानी, कहाँ नहीं आएगा। तो मैंने चेक करवाया था, उसके बाद यहाँ पर ये पूजा करवा रहे हैं और पूजा होने के बाद ये बोरिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग को मेरा ये छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले मैं ब्लॉग ही बनाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए अब ये इतना बड़ा काम मेरा हो रहा है, खुद का अपना घर बन रहा है, तो उसका मैं आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर ये बस पूजा हो चुकी है और बोरिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, हमने बड़ी मशीन से बोरिंग करवाया था और बोरिंग करवाने के लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है, साथ में सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर बोरिंग करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा मटेरियल दिख रहा है ना, ये मकान तोड़ा था ना उसी का मटेरियल है। तो बस यहाँ जगह व्यवस्थित करके और फिर लोग बोरिंग का काम मशीन चालू कर देंगे। तो हम लोगों ने ना 265 गहराई ली थी इसकी, और आगे तक कोई दिक्कत ना हो पानी की, इसलिए हम लोगों ने बड़ा वाला बोरिंग करवाया है। छोटा वाला भी होता है और वो कम उस पर हाइट, मतलब गहराई में हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये काम शुरू हो चुका है। इसको रात में करते करते फिर इसको रोकना पड़ा था काम को, फिर हमें इसे ना जो मॉर्निंग में स्टार्ट करना पड़ा था क्योंकि काफ़ी हद तक हो चुका था ये काम। उसके बाद यहाँ पर देखिए, क्योंकि अंधेरा बहुत था और लाइट की वहाँ व्यवस्था नहीं थी ना, इस वजह से हम लोग को रात को रोक के फिर सुबह मॉर्निंग में इसको शुरू करना पड़ा था। तो यहाँ पर देखिए पानी निकलने लग गया है काफ़ी अच्छे से। बस 265 के आसपास इसकी गहराई गई है और पानी तो कम गहराई पर भी आ गया था हमारे यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा तक लिया था इसको गहराई पे। तो ये मेरे मकान निर्माण का पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले बोरिंग से स्टार्ट करा है और छोटी छोटी क्लिपिंग आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। और जब भी आप बोरिंग करवाते हैं तो आप मुहूर्त ज़रूर निकलवाइएगा, बिना मुहूर्त के किसी भी कार्य को शुरू मत करिएगा। तो बस यहाँ पर ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।